हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन साख डिप्लोमा इन फार्मेसी। आज हम आपको बताने वाले हैं टेटनस इंजेक्शन के यूज। ये हमारा जो टेटनस इंजेक्शन है ये 0.25 ml का एम्पल होता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं और इसकी क्या डोज होती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को हमारे पूरा देखें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ये हमारा 0.5 ml का एम्पुल है टेटनस इंजेक्शन का। इसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना या चोट लगने पर या फिर लोहे से जख्म होने पर टेटनस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। चाकू या एनी अदर लोहे की चीज़ से अगर चोट लग सकती है तो हम टेटनस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और है हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और है प्रेग्नेंट महिलाओं तथा छोटे बच्चों को भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और यह इंजेक्शन वर्ष में 2 बार यूज किया जा सकता है। और इस इंजेक्शन को ज़्यादातर मेडिकल वाले लोग पर्सन हमेशा फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि यह इंजेक्शन गाढ़ा होता है जिससे कि यह ख़राब ना हो। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि चक्कर आना, उल्टी या बुखार, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। ये साइड इफ़ेक्ट जब होते हैं जब हम इंजेक्शन का यूज करते हैं, और यह हमेशा इंट्रामस्कुलर में ही लगाया जाता है क्योंकि यह इंजेक्शन गाढ़ा होता है। और कोई भी दवा लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को हमेशा ध्यान में रखें। और इसकी जो इंजेक्शन की प्राइस है 12 रुपये के करीब इसकी प्राइस है। और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो हम आपको बता रहे हैं, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2024 में एक्सपायर होगा और 2021 में बना था। और इसकी जो प्राइस बताती एक्सपायरी डेट, और कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें जिससे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो।